लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और आज मेरी मौजूदगी है घोसी में, और घोसी में क्या माहौल है, साइकिल और छड़ी की लड़ाई है और साइकिल और छड़ी में कौन भारी पड़ता है, ये मेरे साथ हैं ललन राजभर जी हैं, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और अपने बेबाकी अंदाज से जाने जाते हैं, और इनका बेबाकी अंदाज आज आपको सुनने को मिलेगा। आज मेरी मौजूदगी घोसी में ही है और घोसी का मैं माहौल बताता हूँ और छड़ी साइकिल में इस समय क्या हो रहा है ये भी बताएंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। पत्रकार महोदय आपका भी स्वागत है और आपके चैनल से जितना श्वेता बंधु देखते हैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन बंधन। बिल्कुल, क्या माहौल है घोसी का? घोसी का माहौल है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सब पे भारी पड़ रहा है। कैसे भारी पड़ रहा है? कैसे भारी पड़ रहा है, आज के डेट में खबर पता कर लीजिए, हर समाज का वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माने श्री राजी राज जी को मिल रहा है। अब जाइए पता करिए आप धरातल पे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अच्छा, जैसे ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हमारे लड़के और हमारे जो छड़ी निशान है उनका कहना बुढ़ापे का सहारा है और छड़ी जो है भारी पड़ेगी और हम लोग जीतेंगे और पूरा राजभर मेरे साथ है। नहीं, भारी तो पड़ती, भारी पड़ती, ये बात सही है, लेकिन जिस शिद्दत से, जिस मोहब्बत से अपने बेटा को आज सांसद में भेजने के लिए परेशान है, उसी तरीके से अपने दल, अपने पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अगर उसी शिद्दत, उसी मोहब्बत से अगर लग कर भेजने का काम किए होते तो भारी तो पड़ती, लेकिन भारी अब नहीं पड़ रही है। वो सिर्फ अपने बेटी बेटा, अपने अपने मदमस्त हैं, अपने व्यस्त हैं, समझ लीजिए, और क्या, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। समाज के लिए 22 साल में देखिए, आज भी हमारा समाज देखिए, उनकी तो 7 पीढ़ी बिगड़ी बन गई, हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक चलने लगे, स्कूटर से फार्चूनर पे चलने लगे, झोपड़ी से बंगला तक पहुंच गए, मेहनत किए हैं, तो जो उनकी सातवां रहे हैं 22 साल पहले, जो 2002 में जो सातवां लोग जो जुड़े थे, कोई 2002 में जुड़ा, कोई 2004 में जुड़ा, कोई 2005 में जुड़ा, कोई 2010 में जुड़ा, कोई 2008 में जुड़ा, कोई 2012 में जुड़ा, ऐसे जो जुड़े लोग थे उनका नाम वहाँ का हवा हवाई का राजभर को लोग जानने लगा। पहले कोई राजभर को जानता ही नहीं था देश में कि राजभर कौन सी जाति होती है। अच्छा, राजभर मतलब इससे पहले हम यादव जी लिखत रहने का कि बाबू साहब लिखते थे, कोई जानता नहीं था, राजभर जी नहीं कहा जाता था, राजभर जी कहा जाता है। अच्छा, राजभर जी कहल जाता फरुखाबाद में मारा, पहले भौर कहल जा, ओम प्रकाश जी कहते हैं पहले भौर कहल जा, भौर पी के उलट जा, मछली मारे, अब राजभर जी मेरे आने से राजभर जी अब हमारे बिरादरी को कहा जाता। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा जो है कि तर्क वितर्क करके, अनाप शनाप बयान देकर हमेशा चर्चा में बने रहने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन जब से माननीय महेंद्र राजभर और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनी है और माननीय महेंद्र राजभर जी ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन किया है, तब से उनकी पैरों तले से जमीन खसक गई है और इतना परेशान है वो कि आपको हम बता दे रहे हैं कि माननीय महेंद्र राजभर जी के आगे घुटना टेक कर मनाने का प्रयास किए, लेकिन माननीय महेंद्र राजभर जी ने कहा कि महेंद्र राजभर मरना पसंद करेगा मगर ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जाना पसंद नहीं करेगा। पत्रकार महोदय, ये बता दे रहा हूँ आपको, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, वो दुनिया से समझौता कर सकते हैं पर अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते हैं। आज उनके हटने के बाद जो स्थिति है घोसी लोकसभा में, उनकी स्थिति ये है पत्रकार महोदय कि बेचैन है वो, रात को नींद की गोली की दवा खाकर सो रहे हैं वो, परेशान है वो, और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय श्री राजी राय जी 99% चुनाव जीतेंगे और 1,00,000 के एवं वोटों से चुनाव जीतेंगे। पहले ही आप लोग जान चुके हैं। देखिए, धरातल खबर बता रहा हूं, आसमान में नहीं उड़ता हूं, जमीन पे चलने वाला कार्यकर्ता हूं मैं अंदर की खबर बता रहा हूं। देखिए, वो तो एक पॉइंट मिल गया है कि मतलब इन लोगों को कि जाकर भरमा रहे हैं राजभर समाज के लोगों को कि मैं मंत्री हो गया हूँ, लेकिन चुनावी मंत्री घोषित की है भारतीय जनता पार्टी। चुनावी मंत्री मतलब चुनाव के दौरान मंत्री बनाया गया है, इससे पहले जो है कि अगर वो 8-10 महीने से नाक रगड़ रहे थे, थूथना रगड़ रहे थे, चारों हाथ पांव गिरे थे जेपी नड्डा जी के पास और माननीय अमित शाह जी के पास, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास कि बाबा हमारा राजनीतिक विरासत बचा लीजिए, हमको दे दीजिए, कल्याण कर दीजिए, हमको मंत्री बना दीजिए, नहीं तो हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी साथ छोड़कर जा रहे हैं, सब महेंद्र राजभर के साथ, अगर नहीं बनाएंगे तो सब चले जाएंगे, हम भिकमंगा हो जाएंगे, हमारे पार्टी दल में कोई रह नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये बताइए हमको, घोसी जो लोकसभा ये सीट है,
घोसी लोकसभा सीट में राजभर महेंद्र राजभर के साथ कितना है और ओम प्रकाश राजभर के साथ ये आपका समुदाय है, ये समाज है, राजभर समाज कितना परसेंट होगा, किसके साथ कौन भारी है इसमें? देखिए महेंद्र राजभर जी के पास आज 50-50 का मामला चल रहा है घोसी लोकसभा में। हाँ 50-50 मामला चल रहा है, माने महेंद्र राजभर जी को 50% राजभर समाज ने अपना नेता माना है, क्योंकि वो गरीबों के अधिकार, दबे कुचले शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और राजभर समाज के जो युवा राजनीति में निखर कर सामने आना चाहता है उनका सहयोग कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो अपने श्री ओम प्रकाश राजभर जी तो अपने बेटी बेटा को बढ़ाने के लिए मदमस्त हैं, व्यस्त हैं। इनको कोई राजभर का बेटा अगर दिखाई देता तो आज श्री अरविंद राजभर जी को चुनाव न लड़ा कर किसी राजभर के बेटा को चुनाव लड़ाते, आज कोई उंगली नहीं उठा पाता। लेकिन इन्होंने तो कसम खाई है कि हम पहले अपने बेटी बेटा को स्थापित कर लेंगे, पहले अपने परिवार को स्थापित कर लेंगे, फिर कोई आएगा तो देखेंगे। हाँ नहीं तो जब तक हमारा बेटी बेटा स्थापित नहीं होंगे तब तक तुम लोग के जिम्मे बस यही है कि झंडा डंडा ढो। भैया जिसको झंडा डंडा ढोने का शौक है झंडा डंडा ढोए, लल्लन राजभर तो झंडा डंडा नहीं ढोएगा उनका। अभी तो ढो ही रहे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का। अरे भाई तो हाँ हक और अधिकार हो इससे की बात होती है ना, यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ लोग आप लोग जब तक वहाँ थे उनके यहाँ ओम प्रकाश राजभर के यहाँ सुबह सपा में तब तक वो ठीक थे, जब निकल गए हैं तो खराब हो गए आपके लिए। खराब देखिए वो अपने असली मुद्दे से पत्रकार महोदय भटक गए। उनकी लड़ाई थी बिजली माफ़ी की, उनकी लड़ाई थी कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक गरीब के बेटा को सांसद मंत्री विधायक एमएलसी बनाएंगे, एक गरीबों के प्रति उनके जो समर्पित जिस भाव में बोलते थे। तो हम लोग जैसे कहते थे कि राजभर समाज के बेटा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, आज बसपा सपा भाजपा लोडर पैदा करती हम लीडर पैदा करेंगे, आज तक एक लोडर नहीं पैदा कर पाए, वो लीडर क्या पैदा करेंगे। तीसरी बार उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है वो भी गठबंधन में। 2017 में 22D से लड़े थे श्री अरविंद राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, 2022 के चुनाव में शिवपुर विधानसभा लड़े थे माने अनिल राजभर जी के साथ सामने, और 2024 में लड़ रहे हैं यहाँ घोसी लोकसभा, और दोनों बार चुनाव हारे, तीसरी बार भी हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं कि अगर अपने बेटा को चुनाव नहीं लड़ाते पत्रकार महोदय तो ये चुनाव जीत सकते थे, लेकिन अपने बेटा को चुनाव लड़ाने के कारण आज जनता इनसे और राजभर समाज इनसे एकदम साइड है। लेकिन किस आधार पे ओपी राजभर कह रहे हैं कि हमारी घोसी सीट निकल रही है, क्या आधार क्या है उनका? वो भगले के चक्कर में रहना, पहले तो यहाँ आप जान लें कैसे भगने के चक्कर में, यहाँ से टिकटवा चेंज कराने के चक्कर में थे। लेकिन माननीय अमित शाह जी ने कहा कि आप ही मांगे हो ना सीटिया, दे दिया हूँ, जाओ लड़के आओ, जाओ लड़के जीत के आओ। जो हार के जाते हैं तो चुनाव बाद क्या होगा इनके साथ, क्या हो भारतीय जनता पार्टी के लोग बंद कमरा में स्वागत करें ना, कैसे स्वागत होगा? अरे पत्रकार महोदय बंद कमरा में हम बताओ थे कि अब वो स्वागत करे ना, ये बारवा निकल के सिर्फ हंसे ना, कुछ कह ना पावे ना। हाँ बस हंसिया ही बस, तो पहले ही से हंसते हैं भाई, हंसमुख चेहरा है ओपी राजभर का। तका हमारा रोए वाला चेहरा लौकत बा, हमारा रोए वाला आपकी कैमरा राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोए वाला लौकत बा। देखिए आमने सामने की बात है, अगर वो अभी भी वक्त है श्री ओम प्रकाश राजभर जी और श्री अरविंद राजभर जी दल पार्टी चलाना चाहते हैं तो चुनाव लड़ना छोड़ दें।